2 साल पहले मेरे पिता ने एक स्टोरी लिखी थी। ये एक उस बंदे की थी जो अपनी लाइफ क्रिपल्स के साथ रहता था, बट वो अपनी एबिलिटी यूज़ करता था दूसरों के लिए। वह वीक्स को हेल्प करता था, लाइफ बचाता था लोगों की, और सबके लिए वेल्थ भी स्प्रेड करता था। और इसका स्पॉइलर ये है कि वो मर जाता है, पर ये सैड नहीं था क्योंकि वो चैरिटी लाया एंड वर्ल्ड भी एकदम पीसफुल हो गई। अनऑर्डिनरी। हम देखते हैं वेस्टर्न प्राइवेट हाई स्कूल का एक सीन जहाँ पे हम कैफेटेरिया में हैं एंड हमें इंट्रोडक्शन मिलता है कि ये स्कूल बहुत फेमस है उसके ट्रिपल चॉकलेट केक के लिए एंड ये सिर्फ एक महीने में एक ही बार आता है एंड इसके लिए ये एक रेयर इवेंट है एंड इसलिए सब लोग कैफे में बहुत देर से भाग के जाते हैं जोर से। एंड फिर वो बोलता है कि मैं हमेशा उधर लेट आता हूँ क्योंकि मैं इतना फास्ट नहीं हूँ सबके जैसा, बट मेरे को लगता है आज मैं जा सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो चॉकलेट केक लेने ही जाने वाला रहता है, पर तभी कोई उसका छीन लेता है चॉकलेट केक। एंड हम देखते हैं एक बंदा और एक बंदी है एंड वो बंदी बोल रही है, यार लो मेरे को अपना पीस दे दो, वो मेरा है। तो बोलता है कि तूने क्या बोला, तेरा है ये, पर मेरे हाथ में अभी, ऐसा नहीं चलता रेमी। हमें पता चलता है जो लड़की है उसका नाम रेमी है एंड जो बंदा है उसका नाम आर्लो है। अब रेमी ऑब्वियसली गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसको केक नहीं मिल रहा एंड वो आर्लो को बोलती है तू ऐसे नहीं मानेगा, राइट। एंड वो अपने हाथ से इलेक्ट्रिक चार्ज निकालने लगती है। एंड हमें पता चलता है कि ये जो वर्ल्ड है यहाँ पे पावर चलती है। एंड फिर वो बोलता है ऐसा करना है क्या तेरे को। फिर बाद में बोलते हैं सवारे, यार ये लोग फिर से लड़ने लग गए एंड मैं रेमी पे 20 bucks करता हूँ क्योंकि वो जीतेगी, ये राउंड बैट करता हूँ। एंड फिर बाद में बोलता है वहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर जो है, बोलता है वाह ये लोग अपने आप ही लड़ रहे हैं लास्ट पीस के लिए। और फिर वो बोलता है क्या मैं सही में उसे मिस कर गया। एंड वो बोलता है मैं कभी भी एक स्लाइस नहीं ले पाऊंगा। फिर बाद में हम देखते हैं कि हमारा बंदा बैठा है क्लास में, बोलता है कि ये बहुत क्लास बोरिंग है और मैं एक ऑर्डिनरी बच्चा हूँ। हम देखते हैं लेक्चर पढ़ा रहे हैं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। एंड फिर बाद में टीचर पूछती है ये सब कौन सॉल्व करेगा, तो जॉन अपना हाथ उठाता है, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जॉन है। फिर वो बोलती है क्या तू सॉल्व करेगा, तो बोलता है क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ, तो बोलती है हाँ जा सकता है। एंड फिर बाद में उसको एक बंदा बोलता है ग्रीन बाल वाला, ए जॉनी बॉय जाते वक्त मर मत जाना। एंड फिर उसकी टीचर उसके नाक पर मार देती है चौक। एंड फिर वो बोलती है मिस्टर मार्टिन ते को शायद से वॉलंटियर करना है सम सॉल्व करने के लिए, एंड वो बंदा बहुत ही स्कैर्ड है। अब जॉन जा रहा है बाथरूम के पास एंड फिर वो बोलता है मेरी लाइफ जो है वो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी है एंड बहुत सारे ब्लॉक्स हैं एंड ये सब एग्जॉस्टिंग भी है। जैसे वो जाते रहते हैं तभी एक बंदा उड़ के आता है दीवार से एंड फिर वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है। एंड वो बोलता है क्या हो रहा है इसके साथ, मैं अभी मर जाता। एंड फिर उसको बोलता है क्या तू ठीक है, फिर वो बोलता है क्या तू ठीक है भाई, फिर वो बोलता है कुछ नहीं। वो बंदा उसको इग्नोर करता है, फिर बोलता है अबे साले ईजन तू क्या कर रहा है। तो ईजन जो बंदा है जो दूसरा बंदा आके बोलता है, तो बोलता है अबे साले तेरे को मैंने अपना पेन दिया था एक क्लास के लिए एंड तूने उसको जाके तोड़ दिया। तो बोलते हैं हाँ तोड़ दिया, पर तेरे को इतना जोर से मुझे नहीं मारना चाहिए था। एंड फिर वो एक और ब्लास्ट चार्ज करते हैं, बोलते हैं अब तू मार खाने वाला है बहुत। एंड फिर बाद में जॉन के एक ही मन में आता है शब्द कि भागो यहाँ से, एंड जॉन भागने लगता है। एंड फिर वो बोलता है कि मैं दूसरा बाथरूम यूज़ कर लूँगा। एंड फिर वो बोलता है लास्ट में कि मैं ही जो अकेला हूँ एक एबिलिटी के साथ कभी बॉन्ड नहीं हुआ था। अब वो जैसे ही जाता है दूसरे बाथरूम के पास वहाँ पे भी लड़ाई हो रही है एंड फिर वो बोलता है अबे यार क्या हो रहा है ये। फिर हम देखते हैं जो बुली कर रहा है बंदा, वो बोलता है कि वापस से बोलना क्या हुआ। फिर वो बंदा देख के बोलता है अरे मेरे को छोड़ दे, फिर उसको और मारता है। जॉन देखता है, फिर वो बोलता है बुली इधर देख तू मेरे से बात नहीं करेगा पीछे से, ठीक है अब से तू वही करेगा जो मैं कहूँगा या फिर मैं तेरे को बहुत मारने वाला हूँ। फिर बाद में जॉन आके मार देता है, अपना धक्का टैकल दे देता है वो बंदे को एंड स्लीव्स ऊपर लेता है। एंड फिर वो बोलता है अपने हाथ अपने पास रख साले। एंड फिर वो बोलता है अरे मेरे को तो पता है तू कौन है, तू तो जॉन है ना जो स्कूल का क्रिपल है। स्कूल का क्रिपल बेसिकली मीन्स कि जो बुली होता है बहुत एंड लाइक जिसके पास पावर्स नहीं है जो वीक है। एंड फिर वो बोलता है क्या तू हीरो बनने का ट्राई कर रहे थे, मैं तो बहुत गट से यार, बट तेरे को सही में अपनी प्लेस याद रखनी थी। एंड वो अटैक चार्ज करने का ट्राई करता है पर जॉन टाइकोंडो यूज़ करके अपने को बचा लेता है एंड फिर उसके एक जॉब पे पंच मार देता है। फिर बोलता है पीछे हट एंड फिर वो बोलता है कि तू अब इसके लिए पे करेगा। एंड हम देख रहे हैं कि अब वो अपनी एबिलिटी सही में यूज़ करने वाला है एंड जॉन इज़ प्रिटी फक। फिर बाद में वो पावर अप हो जाता है एंड जॉन बोलता है शिट अब मैं क्या करूँगा इसके सामने। फिर वो बोलता है क्या तेरे को लेसन नहीं समझा, हम लोग जब वर्ल्ड में ये सिंपति नहीं होती लूजर्स के लिए तेरे जैसे, एंड तेरे को अपने जैसा नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, बस अपना बिजनेस रखना था, तेरे को इधर आना नहीं चाहिए था या फिर तू मर जाएगा दूसरों से। एंड हम देखते हैं जो बंदा बुली हो रहा था वो अपनी एबिलिटी यूज़ करके इनविजिबल होकर वहाँ से भाग जाता है। फिर जॉन बोलते हैं क्या वो एक थ्रेट था, एंड जॉन रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता है एंड उसके पीछे वो बंदा आ जाता है एंड उसको एल्बो मारता है, पर जॉन कैसे तो ब्लॉक कर लेता है। एंड ब्लॉक करने के बाद उसके हाथ पर चोट आ जाती है एंड बोलते हैं ये तो बहुत ज़्यादा ही फास्ट है एंड इसकी जो स्किन है वो बहुत रॉक जैसी है। फिर बोलते हैं अरे हाँ मेरे को समझा, ये फ्लैशी पावर अप है एंड इसकी पावर जो है वो सेल्फ एम्पावरमेंट है, लाइक जो अपने बॉडी को सेल्फ एनहांसमेंट कर सकता है एंड कड़क बना सकता है। फिर वो बोलता है कि ये तो एक टेस्ट था बस, अगर तू मेरे से भीख मांगेगा तो मैं तेरे को एक पीस में जाने दूंगा यहाँ से, मतलब मैं तेरे को ज़्यादा नहीं मारूंगा। फिर बाद में वो बोलता है जॉन क्या तू सही में इतनी बात कर रहा है, अपने मन में बोलता है तेरी तो एबिलिटी भी सही नहीं है एंड तू बस इतना बोल रहा है क्योंकि तू सबसे वीकर बंदे को मार रहा है एंड तेरे को बस वही सुपीरियरिटी कॉन्फ्लेक्स है। एंड फिर बाद में जॉन हंसने लगता है एंड फिर वो बोलता है क्या रे तू किस पर हंस रहा है,
तो फिर वो बोलता है कि अरे मैं बैक करूँगा, वो बहुत बड़ी डिमांड है, मैं जब भी किसी से टॉक करता हूँ ना मैं उसको बहुत मारता हूँ, एंड मेरे को चल तेरे को कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। सो वो बोलता है कि रेमी तेरे को पता है ना राइट, मेरे को वो एक क्रिस्प में करती सकती है, एकदम से जला सकती है। एंड फिर ब्लेक एंड ईसन भी तेरे को पता है जो वॉलिक हॉल में अभी लड़ रहे हैं, एंड ऑब्वियसली सेराफीना जो एक गॉड जैसी ही है। एंड फिर वो बोलता है कि तेरे टर्न, तू क्या कर सकता है मेरे को, जस्ट एक धीरे से भाग सकता है जोर से एंड मेरे को हिट कर सकता है हार्डर। एंड फिर बोलता है इतना थ्रेटनिंग नहीं है, एंड मैं बोलता हूँ कि मैं तेरे को मार दूंगा इतना एक विदाउट एबिलिटी केस है, तू यहाँ से चले जा। फिर वो बंदा गुस्सा हो जाता है, उस पर आ जाता है अंदर एकदम से, एंड उसको ल्यूर कर लिया है जॉन ने बेट करके। एंड फिर जॉन नीचे झुकता है, उसका डॉच करता है अटैक, उसका हाथ पकड़ के उसके शोल्डर्स पर अपना हाथ रखता है एंड उसको बॉडी स्लैम दे देता है नीचे, एंड उठा के उसे पटक देता है। एंड फिर बाद में बोलता है यार ये क्या, सरप्राइज होकर बोलता है कि ये सही में काम कर गया, मुझे लगा नहीं था ये काम करेगा। फिर वो बोलता है अरे यार मेरा आर्म, मेरे को लग रहा है ये टूट गया। फिर बोलता है अरे यार फिर से इन्फर्मरी जाना पड़ेगा। हम देखते हैं ऊपर रूफटॉप पे एक लड़की बैठी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जॉन आ गए इन्फर्मरी में, एंड फिर बाद में वो डॉक्टर बोलता है तू वापस आ गया अपना हाथ तोड़ के, मैं देखो कितनी बार कहा है कि इतना इंजर मत हो, इस बार तो तू स्टोन बॉय से लड़ा था, अगर तू आगे कोई हायर अप्स को गुस्सा दिला देगा तो मैं भी तुझे बचा नहीं पाऊंगा। एंड वो उसे केमिकल देता है, बोलता है ये 3 घंटे में हील हो जाएगा, इसको पी ले। एंड तभी जॉन उठ के जाने लगता है, बोलता है डॉक मुझे पता है। फिर बाद में जॉन को रोक के वो बोलता है कि तू कहाँ जा रहा है, देखो पता है ना ड्रिल क्या, देखो असली में यहाँ पे 3 घंटे तक रुकना होगा जब तक से तेरा हाथ हील नहीं हो जाता। एंड हम देख रहे हैं जॉन अभी भी एकदम डरा हुआ है डॉक से। फिर हम देखते छत पे वही लड़की बैठी है, वो अपने फ़ोन को देख के हंस रही है, वो फ़ोन पे टेक्स्ट मैसेज आया किसी का कि मेरे को बचाओ, एंड इसने लिखा है तू कहाँ है, एंड आगे वाला बंदा टाइप कर रहा है, यही देख के वो हंसती है। एंड हम देखते हैं कि वो लड़की का हमें फुटस्टेप्स दिखते हैं नीचे उतरते हुए, एंड डॉक अपने मन में बोलता है उसको देख के यार ये तो दूसरा वाला भी पहलू आ गया इसका। एंड हम देखते हैं जॉन के पास वो लड़की जाती है, बोलती है जॉन क्या कर रहा है तू, एंड फिर बोलता है आ सेरा, तो इसका नाम सेरा है। एंड फिर उन्होंने बोलती है इसके बारे में क्या बोलना चाह रहा है तू, तो फिर वो बोलता है कि मेरे को डॉक्टर जाने नहीं दे रहा 3 घंटे के लिए, और बोलता है यहीं पर रहना है तो मैं बोर हो रहा हूँ इसलिए बुलाया। तो वो हंसती है, बोलती है तेरे जैसे होने के लिए तो बहुत बुरा लग रहा है मेरे को, पर मुझे जाना होगा क्योंकि मैं क्लासेस अटेंड करूँगी। एंड फिर बाद में जॉन उसका शोल्डर पकड़ के बोलता है कि तू कौन सा क्लासेस कभी अटेंड नहीं करती, चल अपने दोस्त की हेल्प कर। एंड फिर बाद में वो गहरी सांस लेके उसके साथ बैठ जाती है टाइम पास करने के लिए। हम देखते हैं सेरा और जॉन एक गेम खेल रहे हैं स्लैपी पिक करके, स्लैपी पिक बेसिकली एक फ्लैपी बर्ड जैसा गेम है। एंड फिर हम देखते हैं कि जॉन बोलता है लगता है टाउन में एक नया चैंपियन आ गया, एंड फिर बाद में सेरा बोलती है बहुत अच्छा ही है बट मेरी इतना गुड नहीं है। एंड फिर जॉन बोलता है 2-1-2 का स्कोर, क्या तू मेरे से मजाक कर रही है, तू चीट कर रही है, ये काउंट नहीं होता। तो बोलती है क्या तू क्या बोलना चाह रहा है, मैं अपनी एबिलिटी यूज़ करता हूँ तो देख मेरी गलती नहीं है कि तेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है। एंड फिर बाद में उनको देखते हैं कि एकदम से शेक होने लगता है क्लासरूम, एंड फिर वो बोलते हैं ये क्या था, एंड वो लोग ऊपर देखते हैं एंड हमें लग रहा है कि ऊपर एक फाइट हो रही है। यही आवाज़ सुन के डॉग बहुत ही गुस्सा हो जाता है, फिर वो बोलता है मैं तुम सबको मारने वाला हूँ। एंड जैसे ही वो बाहर जाते रहते हैं जॉन को बोलता है कि तू यहीं पे रहेगा, मैंने क्लियर किया है, क्या तू ये समझ गया। एंड फिर वो बोलता है हाँ मैं इधर ही रहूँगा, सेहरा है मेरे साथ। एंड फिर आदमी जैसे ही डॉग वहाँ से जाता है सेहरा को बोलता है चलो सेहरा हम लोग यहाँ से निकलते हैं, एंड सेहरा भी बोलते हैं हाँ चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर हम देखते हैं स्कूल में हमें दूसरा सीन दिखता है कि एक और बंदा जो है वो जो बंदा जिसने लड़ाई की थी, फिर वो बोलता है कि ये क्रिपल जो था मैं उसको डिस्ट्रॉय करूँगा अगले बार उसको देखूंगा तो। और फिर वो बोलता है स्पीक ऑफ द डेविल, एंड बेसिकली जॉन के बारे में बात कर रहा है। एंड जैसे ही वो उसका कंधे पे कॉलर पकड़ता है, वो बोलता है कि साले तूने मेरे वजह से तूने मेरे से लड़ाई किया एंड मेरे साथ ये हुआ। एंड फिर वो बोलता है जॉन क्या ये पहली बार के लिए जो तूने हमसे लड़ाई की थी उसके बारे में, मुझे लगा था कि हम लोग ऑलरेडी वो सब ख़त्म कर चुके हैं, हम लोग ऐसे क्यों लड़ाई क्यों कर रहे हैं, आज पीस बना लेते। तो फिर बोलता है कि तूने मेरे को विंडो के बाहर फेंका, तो बोलता है हाँ और तूने मेरा हाथ तोड़ा था, तो चल हम लोग ईवन है। फिर वो बंदा बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलते हैं शांत हो जा। एंड फिर वापस से वो मारने का ट्राई करता है पर जॉन अपना दूसरा हाथ यूज़ कर लेता है, एंड वो मारने ही वाला रहता है तभी उसके पीछे सेहरा आ जाती है। एंड फिर वो बोलते हैं सेराफीना, एंड फिर वो रुक जाते हैं वहाँ से, एंड सेराफीना उसको बोलती है शांति से रुक जा वहाँ पे। फिर वो बोलता है क्या मेरे को डरना चाहिए तेरे से, मैं इधर डरने नहीं वाला, तू कितनी पॉसिबल हो सकती है स्ट्रांग क्योंकि तू एक बच्चे के साथ, मतलब जो एक वीक बंदा है उसके साथ हैंग आउट करते रहती है, एंड तू इधर से जाती क्यों नहीं। एंड तभी जब वो बोलने वाला रहता है तभी सेहरा उसको एक पंच मारती है, एंड हम देखते हैं सेहरा बहुत पावरफुल है, एंड वो पीछे जाके गिर जाता है, उसके सर से खून आ जाता है, एंड वो शॉक में बोलता है कि वो तो हीली भी नहीं फिर भी इतने जल्दी में को उसने मारा कैसे। एंड सेहरा ने बोल दिया बेसिकली कि तू मेरा टाइम वेस्ट मत कर, एंड वो अपने मन में उसको बोलता है कि बीच मत बोल मेरे को, एंड मेरे को
को नीचे अंडर एस्टिमेट मत करें। एंड उठ के वो बोलता है गो टू हेल एंड फिर से पंच मारने का ट्राई करता है, बट फिर वो डॉज कर लेती है एंड फिर से वो बोलता है शीट 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 एंड फिर वापस से सेरा उसको मार के नॉकआउट कर देती है। एंड फिर सेरा पूछती है जॉन को देखे किधर जाना है तेको, एंड जॉन बोलता है एक ड्रिंक के लिए। फिर वो बोलती है ठीक है बट तू पैसा देगा, एंड जॉन वो बंदे को देख के थोड़ा सा वरीड हो जाता है एंड फिर उधर से चले जाते हैं। बोलते हैं रुको सेरा मैं भी आ रहा हूँ, एंड फिर वो लोग वहाँ से ड्रिंक लेने चले जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं डॉग दो बच्चों को खींच रहा है एंड फिर वो बोलते हैं हम लोग की तो बैंड बजने वाली है। फिर वो इन्फर्मरी में आते हैं, हम देखते हैं कि डॉग उनको बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम दोनों को मैं भेज दूंगा यहाँ से एकदम से एक स्कूलिंग में अगर इतना लड़ते रहोगे तो। फिर वो बोलता है कि देखो डॉग मैं अपना खुद से काम कर रहा था एंड पढ़ाई कर रहा था एंड इसने मेरे को आके पंच मारा ऐसे ही। एंड फिर बाद में वो दूसरा ऑरेंज बाल वाला बोलता है सही में ब्लेक तू ऐसा बोलना चाह रहा है? तो फिर वो बोलता है कि तेरे को पता है ना तेरे को ऐसा कुछ नहीं किया था मैंने जब तक से तूने मेरा पेन नहीं तोड़ा था। फिर बाद में वो दोनों फिर से बहस करने लगते हैं पर डॉग उनका सिर पकड़ के दोनों का सिर स्मैश करता है एंड दोनों अभी भी रोने वाले होते हैं एंड दोनों के सिर से खून आने लगता है। एंड फिर वो बोलता है डॉग की मैटर नहीं करता किसने फाइट शुरू की, मैटर ये करता है कि तुम लोग को बस समझना चाहिए कि तुम लोग जो चीज़ भी कर रहे हो उसके एक्शंस तुम्हें समझ जाए। एंड फिर हम देखते हैं जो स्टोन वाला बंदा है वो आते हैं, बोलते हैं डॉग यहाँ पे। एंड फिर बाद में डॉग देखता है कि जॉन यहाँ से चला गया एंड डॉग अब भाई सभी में गुस्से में है। एंड फिर हम देखते हैं कि सेरफिन और जॉन है वो लोग कैफे में एंड टीवी देख रहे हैं कि जो भी चीज़ें देख रहे हैं कि न्यूज़ में कि एक बंदे को मारा गया है। एंड फिर बाद में सेरफिना बोलती है कि तेरे को इतना सब चीज़ें करने आता था पर तूने उसको विंडो के बाहर फेंक दिया। फिर वो बोलते हैं ऐसा नहीं था एंड फिर वो हंसने लगती है। एंड फिर जॉन एकदम चिल्लाता है कि ये चीज़ फनी भी नहीं है एंड बेसिकली उसको मॉक कर रही है एंड उसकी टांग खींचने में मज़ा आता है सेरफिना को। एंड फिर वो बोलती है तू हमेशा ऐसे बोलता है एंड फिर भी तू एक पीस में रह जाता है। फिर वो बोलती है कि ऐसा एंड फिर यही सुन के बोलता है जॉन कि ऐसा तू नहीं है ऐसा तू तो मिस कर रही है पॉइंट को। एंड फिर वो बोलता है कि ये तो एक्साइटिंग होता रहेगा राइट कि तेरे को कोई भी मारने आता होगा एंड तुमको मारता होगा कभी भी पर तेरे को सब वीक समझते हैं। फिर वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे को बस पीस चाहिए एंड अभी भी कॉन्फ्लिक्ट होते ही जा रहे हैं एंड मैं ब्रॉल्स में पढ़ते जा रहा हूँ एंड मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ को फियर करते हुए क्योंकि मैं हर दिन डेंजर में रहता हूँ एंड ऐसी वॉयलेंट क्यों होनी चाहिए दुनिया एंड ये ऐसा गलती क्या है लोगों से दूसरों से बात करने के लिए इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। एंड ये बेसिकली बोल सकते हो कि जॉन को एक पीसफुल लाइफ चाहिए पर जॉन को सब लोग मारते रहते हैं क्योंकि जॉन के पास पावर नहीं है एंड वो टारगेट होता है। फिर बाद में सेरफिना बोलती है वेस्ट ऑफ टाइम है क्योंकि एक भी चीज़ आर्ग्यू नहीं करनी चाहिए तेरे से वीकलिंग के लिए एंड वो सोचते हैं कि नहीं करना चाहिए। एंड फिर वो बोलते हैं क्या तू इसलिए ऐसा सोचते क्योंकि तुम लोग बस ओवर पावर कर सकते हो पर तुमको पता है राइट जितना भी स्ट्रॉन्गर पर्सन होता है वो हमेशा राइट नहीं होता एंड सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए बस अपनी पावर यूज़ करना एंड ख़ुद को प्रूफ करना कि तुम सही है तो डिस्कस्टिंग है। फिर वो बोलती है कि तू क्या बताना चाह रहा है? फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाह रहा था, मैं बस बोल रहा था कि तेरी वही को नहीं बोल रहा था, मैं बस हायर अप्स को बोल रहा था। एंड फिर बाद में वो लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं एंड वो इग्नोर कर देती है जॉन का स्टेटमेंट। एंड फिर बाद में हम बताते हैं जॉन की सेरा एकदम स्ट्रॉन्ग बॉर्न हुई थी एंड उसको पता नहीं कि मेरे जैसे पीपल जो है वो कैसे जीते हैं हर दिन। एंड फिर बाद में हम देखते हैं कि आ गया है न्यूज़ में कि एम्बर का प्रेजेंस दिख गया है एंड बहुत सारी ट्रेल ऑफ बॉडीज़ दिख गई है न्यूज़ पे बताया जा रहा है। एंड सबसे रिसेंट केस हुआ है लोवन सिटी में एक एली में जहाँ पे इंटरसेक्शन है एक्सेस स्ट्रीट के इधर। एंड इन्वेस्टिगेटर्स अभी भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं बॉडी को एंड उसके विजिलेंटे का नाम है एक्सटैटिक एंड इसके बारे में और भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बताई नहीं गई है अभी न्यूज़ को। एंड जो विक्टिम है उसकी बॉडी कवर्ड है सेकेंड डिग्री बर्न्स में और बहुत सारे स्टैब वुंड्स में। एंड हम देख सकते हैं कि सबके जैसा एक और एम्बर के विक्टम्स में टैटू लगा हुआ है एंड एक लोगो लगा हुआ है उसके कॉर्प्स पे। फिर बाद में हम देखते हैं पीछे एक लड़की बात करने लगती है लोवन ये तो साइड वाला टाउन है क्या एम्बर यहाँ भी आ रहा होगा। एंड दूसरे लोग भी बोल रहे हैं अरे स्टैटिक्स तो यूज़लेस था एक्सटैटिक यूज़लेस था। एंड फिर बाद में जॉन एकदम वरीड होकर देखता है सेरा को एंड फिर बाद में वो बोलती है कि और फिर से खुद को सेल्फ सुपर हीरो बोलने वाला बंदा एक और विक्टिम बन गया क्योंकि सोसाइटी के वजह से। एंड हमको बताना चाहिए लोगों को कि उनको खुद का बिजनेस माइंड करना चाहिए अगर उनको तो भी है कि उनके पास स्ट्रेंथ है तो भी इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। पर फिर जॉन बोलता है पर वो तो लोगों को सेव करने की ट्राई कर रहा था। फिर वो बोलता है कि ऐसे सुनने के बाद वो बोलती है कि क्या तेरे को अभी सेफ फील हो रहा है जबकि वो मर चुका है। एंड इस पर जॉन कुछ नहीं बोलता एंड वो लोग अभी भी अपना ड्रिंक पी रहे हैं।
फिर हम देखते हैं जॉन एक फ्लैशबैक में जाता है जब वो पहली बार वेल्स्टन में आता है एंड फिर वो बताते हैं कि ट्रांसफर स्टूडेंट है ये एंड जॉन बोलता है वेलकम मैं सबसे मिलके अच्छा लगा मुझे एंड जैसे ही जॉन सोचता है कि ये बहुत अच्छा स्कूल होगा क्योंकि उसने पढ़ाई के लिए बहुत ही ट्राई किया एंड एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए बहुत दिन सोया नहीं था पर फिर एक लड़की आके बोलती है कि कैसा है तू जॉन फिर उसका नाम एलिन होता है एंड फिर वो बोलती है कैसा है तू फिर वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ फिर वो पूछती है कि पहले कौन से स्कूल में था फिर वो बोलता है मैं होम स्कूल था एंड वो सेराफिना के पास देखता है सेराफिना अपना ही ड्रिंक पी रही है वहाँ पर दूसरी जगह एंड फिर वो पूछती है कि तेरा कौन सा रैंक है या फिर कौन सी तेरी एबिलिटी है एंड जॉन को लगा था कि यहाँ पे चेंज होगा चीज़ें बट यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होता एंड फिर जैसे जॉन बोलता है कि कम्प्लीटली ऑनेस्ट बोलूँ तो मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है ये सुन के पूरी शॉक हो जाती है क्लास एंड फिर बाद में जो एलियन है वो बहुत एकदम डिस्कस्टिंग हो जाती है उससे वो नफरत करने लगती है जॉन उसको कंधे पर टच करके बोलते है क्या तू ठीक है फिर उसको धक्का दे के बोलती है यार मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि मैं तेरे ऐसे बंदे के साथ बात कर रही थी मेरे से बात मत कर एंड जॉन को पता चल जाता है कि यहाँ पे भी बस पावर के ऊपर चलता है हर चीज़ एंड फिर बाद में जॉन को धर लेते हैं बाहर बच्चे एंड बोलते हैं कि यहाँ पे एक हायरकी सिस्टम है भाई तेरे को समझना होगा एंड फिर उसको मारने वाले रहते हैं तभी वो देखते हैं सेराफिना है लेफ्ट में फिर वो बोलता है कि ये तो मेरी क्लास की लड़की है एंड उसको बोलता है कि क्या तुम्हें कोई हेल्प आउट कर सकती है पर वो उसको देख के उधर से चली जाती है एंड जब भी उसको पंच मारने वाले रहते हैं जॉन उड़ जाता है अपने बेड से एंड जॉन को फ़ोन आ गया है सेराफिना का एंड हम देखते हैं जॉन का जो मूड है वो बहुत ही अलग है एंड जैसे वो सोया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा ईविल दिख रहा है फिर बाद में सेराफिना उसको फ़ोन करके बोलती है कि मेरे को आज मॉल जाना है क्या तू मेरे साथ आ सकता है फिर वो बोलती है कि अच्छा तेरे को शॉपिंग जाना है बट मैं थोड़ा बिजी हूँ तो बोलती है कि सही में तू बिजी है तो बोलता है हाँ मेरा जो अभी घर है बहुत मैसी है एंड मेरे को एक दिन लगेगा पूरा क्लीन करने के लिए एंड फिर वो बोलता है कि ऐसा बोलने के बाद बोलती है सेराफिना अगर तू बस डोम्स में आ जाएगा दूसरे लोगों के साथ तो तेरे को प्रॉब्लम नहीं होगा फिर वो बोलता है कि मेरे को अपनी लाइफ के बारे में वेरी करना पड़ेगा एंड हम देख रहे हैं कि जॉन पूरा अलग ही दिखता है घर में थोड़ा जैसे कि बाहर दिखता है एकदम चंपू पर घर पर वो ऐसा नहीं दिखता फिर वो बोलती तूने सही कहा बट ये चीज़ तो बहुत बैड है एंड फिर हम देखते हैं उसके घर का दरवाज़ा बज रहा है फिर वो बोलते हैं क्या तू सही में ऑलरेडी बाहर आ चुकी है एंड जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है एंड वो बोलती है अरे मेरे को ऐसा लुक मत दे मैं आई हूँ तेरे को यहाँ पे हेल्प करने एंड फिर वो देखते ही है कि हॉल पूरा एकदम क्लीन्ड है एंड वो एक नोटिस करती है ग्लव्स एंड फिर बाद में वो रखती है ऊपर एंड फिर बोलती है देख ले सब सही है एक बुक के साइड में जिसका नाम है अनऑर्डिनरी जो शो का नाम है एंड फिर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है तू मेरे को लग गई पर क्या तू सही में कम रख सकती है मेरे पास क्योंकि इतना टाइम नहीं है जितना पिछली बार लगाया था फिर वो दोनों शॉपिंग करने आते हैं फिर वो बोलता है सेरा ये देखिए कैसा है एंड जॉन इज़ बैक विद द चंपू हेयर कट एंड फिर वो बोलता है कि यहाँ की राइटिंग बहुत अच्छी लग रही है मेरे को एल ए एम ई लेम जो लिखा है ये कुछ फ्रेंच या कुछ होगा मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है एंड फिर वो बोलती है क्या तू सही में मजाक कर रहा है राइट उधर लेम लिखा हुआ है एंड फिर बाद में वो फिटिंग रूम्स में जाते हैं एंड फिर वो बोलता है कि वो उधर वेट कर रही है उसका एंड वो बोलती है क्या उसको सही में ट्राई करना था वो ट्राई कर लेता है शर्ट एंड वो देखती है उसको पसीना आ जाता है एंड फिर वो बोलती है अपने मन में कि ये ज़्यादा इतना ख़राब नहीं लग रहा है थोड़ा सा एम्बेरस हो जाती है फिर वो बोलती है कि इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हर चीज़ स्मूथली जाएगा एंड जॉन भी यही बोलता है फिर वो बोलता है देखा ये मॉल इतना ख़राब नहीं है राइट फिर वो बोलता है कि इतना आगे नहीं जाना चाहिए एंड हम देखते हैं कि वो लोग वुमेन्स क्लोथ्स में आने वाले होते हैं फिर वो लाइन में लग जाते हैं एबिलिटी गॉज के इधर एक एबिलिटी गॉज यहाँ पे मेजर कर सकते हैं फिर वो बोलता है हे सेरा तू ये देखना मैं अपना एबिलिटी गॉज देख के आया तेको दिख रहा है चल एक ट्राई करते हैं फिर वो बोलते हैं नहीं मैंने देखा है वो सब एक स्कैम होता है फिर वो बोलते हैं चल फन के लिए करते हैं चेकआउट करते हैं एंड फिर वो बोलती है ठीक है चल एंड जैसे ही वो लोग लाइन में लग जाते हैं एंड वो एक लड़की उधर के बोलती है कि क्या तू क्या बोल रहा है मैं एक 4 हूँ फिर वो बोलता है बंदा पर मैंने पूरा प्राउडली स्कोर बताया था एंड सारी चीज़ें की थी एंड आप एवरेज से टैलेंटेड हो एंड आप एक टैलेंटेड आदमी हो एंड फिर वो बोलती है कि ये सब बुलशिट है तूने मेरे को 4 दिया इसलिए क्योंकि ये गुड है एंड तू कुछ भी बोल रहा है सब स्कैम है फिर वो बोलती है कि ये स्टैंडर्ड कॉजिंग सिस्टम एक 3 है एवरेज एंड सबसे 5 जो हाई टीयर कंसिडर होता है एंड फिर मैंने खुद ही मुझे 2 मिला है फिर वो बोलती है ये तू फ्रॉड है मेरे को अपने पैसे चाहिए फिर वो बोलता है कि ऐसा नहीं बोल सकते आप एंड वो उसका गला पकड़ने लगती है फिर वो बोलती है मेरी बात सुन अगर तूने मेरा पैसा रिफंड नहीं किया तो मैं तेरा पूरा ये बूथ है ना उड़ा दूंगी एंड मैंने सही बोला कि एंड जॉन देख के थोड़ा सा वरीड हो गया है एंड हम देख सकते हैं वो लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उसको 4 मिला है ना कि 5 मिला है लाइक अ हाई टीयर फिर बाद में जॉन बोलता है प्लीज़ शांत हो जाइए मैम फिर वो बोलती है कि तेरा बिजनेस नहीं तू शांत रहे फिर बोलता है ये मेरा बिजनेस है मैं इधर रुकने नहीं वाला कि कोई अपना $10 का रिफंड लेगा एंड उसको बुली करना बंद करो एंड दूसरे को एक ट्राई दो एंड फिर वो एकदम गुस्सा हो जाती है एंड बोलती है तू मेरे से ऐसे बात करेगा क्या कर रहा है एंड आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं तुम लोग को लाइक लर्न करना चाहिए कि अपना मुँह कब बंद रखना चाहिए एंड वो अपनी एबिलिटी यूज़ करने वाले रहती है एंड जॉन देख के बोलते हैं ओ अब तो हम लोग फंस गए फिर वो बोलता है कि मैं इधर स्टार्ट नहीं करना चाह रहा फाइट एंड फिर बाद में बाकी जो बंदे हैं वो बोलते हैं चलो यहाँ
से जाते हैं यहाँ पे, वेट करना सही नहीं है। एंड फिर वो बोलता है कि ये सब मुझे नहीं लड़ना। फिर वो औरत बोलती है कि ये सब इंसल्ट करने के पहले सोचना चाहिए था। एंड फिर वो बोलता है अपने मन में कि ये तो तू अब अपने मन से ही बना रही है। फिर वो बोलता है सॉरी मैं बोलता हूँ, हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो फिर वो बोलती है क्या तू इतना स्केर्ड क्यों है एकदम से। एंड फिर वो बोलते हैं अपने मन में उसके हाथ में क्या कंडेंस्ड एनर्जी है और उसका शॉट बहुत ही ज़्यादा सीरियसली डैमेज दे सकता है। एंड वो बोलता है कि उसने 4 स्कोर किया था सही में। एंड फिर वो राइट में देखता है कि सिक्योरिटी है वहाँ पे। एंड फिर वो बोलता है जा चल मेरे को मार, अगर तेरे को सही में मारना है मेरे को तो जल्दी से मार, जल्दी मारना है। तो एंड हम देखते हैं वो दोनों हंस रहे हैं। एंड फिर वो पूछती है कि अपने मन में पावर अप क्यों नहीं कर रहा है। एंड वो लड़की इतना हंस क्यों रही है अचानक से। एंड फिर बाद में बोलते हैं जॉन क्यों रुकी हुई है तू। एंड फिर वो अटैक करने वाली रहती है एकदम से। एंड वो बोलते हैं कि समबड़ी हेल्प मेरे को बचाओ, ये वुमेन मेरे को मारना चाह रही है, वॉल को उड़ानी चाह रही है। एंड फिर आदमी उधर से सिक्योरिटी आ जाती है और बोलती है मिस क्या हो रहा है यहाँ पे। एंड उसका हाथ रोक लेता है। एंड फिर वो बोलती है कि ये लोग ने कुछ किया, पर फिर वो बोलता है कि हम लोग बस लाइन में वेट कर रहे थे। एंड इसने थ्रेटन किया पूरे मॉल को और बूथ को उड़ाने के लिए। एंड फिर बाद में वो बोलते हैं ये इसलिए किया क्योंकि उसने मेरे को स्कैम किया पैसे के लिए। फिर वो सिक्योरिटी बोलता है पहले आप शांत हो जाइए, मैं इधर से लेता हूँ। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा तू वापस आ गया, मैं तेरे बुलशिट की वजह से बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, तू जल्दी से पैसा दे एंड जल्दी से यहाँ से चले जा। फिर वो बोलता है पर, फिर वो बोलता है कि मैं रिपीट नहीं करूँगा खुद को। एंड फिर वो बोलता है मैं तेरे को वार्न कर रहा हूँ, अगर तूने एक और बार दिक्कत की तो मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि तू यहाँ पे कभी बिजनेस नहीं कर पाएगा। एंड फिर वो उसका पैसे दे देती है। फिर वो बोलती है थैंक यू वेरी मच सर। एंड फिर वो बोलता है मैं बस अपनी जॉब कर रहा हूँ। एंड फिर वो बोलता है बंदा तुम दोनों को कि तुम लोग ट्रबल से दूर रहो। एंड फिर बाद में यही देख के सेरफीना कुछ नहीं देखती, बट जॉन एकदम गुस्सा में है। एंड फिर बाद में जॉन फिर से बोलता है कि ये मैटर नहीं करता कहाँ एविडेंस जाता है, हमेशा जो रिजल्ट है वो सेम रहता है। एंड फिर बाद में वो बोलता है जॉन उधर से कि हम सॉरी बोलते हैं, हम लोग ट्रबल नहीं कॉज करना चाह रहे थे। एंड फिर बोलते हैं वैसे वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा गेस्चर अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत सारे बच्चे लोग जो हैं वो विलिंगली स्पीक नहीं करते कोई पावरफुल होता है तो। फिर बाद में वो बोलते हैं मैं अज्यूम करता हूँ तुम लोग यहाँ पे आए हो अपनी एबिलिटीज़ रीड करने के लिए। एंड जॉन बोलते हैं हाँ ये यहाँ पे ये आई है। एंड उसको एकदम से पकड़ के आगे ला देता है। फिर वो बोलती है कुछ नहीं है, एंड देखती है क्या मेरे को करना पड़ेगा। फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं तुमको एक फ्री शॉट देता हूँ, एंड ये लिस्ट है कि तुम ट्राई कर सकते हो। एंड फिर उसका हाथ पकड़ के गॉजिंग एबिलिटी यूज़ करने लगता है। एंड एकदम से हंस देता है। एंड फिर वो बोलता है कि तुम्हारी एबिलिटी लेवल 8 है। फिर वो बोलता है क्या ऐसी भी एबिलिटी होती है, एंड क्या ये बस टच करके कर सकता है किसी का भी मेजर, ऐसा जॉन सोचता है। फिर वो बोलता है बहुत टाइम हो गया जैसे मैंने एक बंदी से या फिर बंदे से मिला हूँ जो इतनी पावरफुल है, एंड तुम सही में गिफ्टेड हो। फिर वो सेरेफ बोलती है कि थैंक यू। फिर वो बोलता है कि एंड यहाँ पे आपका प्राइज़ एक क्यूट लिटिल बेयर, एक क्यूट लेडी के जैसे। एंड फिर ये देख के वो कुछ नहीं बोलती। एंड फिर वो बोलता है जॉन अरे ये तो इतना वर्थ है कि मैंने इतना पैसा दिया फी के लिए। एंड फिर बाद में वो पूछते हैं क्या तुम्हारे बारे में क्या है, क्या तुमको नहीं करना। एंड फिर वो बोलता है क्या तुमको भी ट्राई करना है। एंड जैसे ही वो उसको टच करने वाला रहता है तभी जॉन एकदम से पीछे हो जाता है। एंड हम देखते हैं जॉन के इंस्टिंक्ट्स ऑन हो गए अचानक से, जबकि वो होने नहीं चाहिए क्योंकि वो क्रिपल है। एंड फिर वो बोलता है क्या अरे मुझे लगा सॉरी अगर आपकी परमिशन ले लेनी चाहिए थी। फिर वो बोलता है कि नहीं ऐसी बिग डील नहीं है, तुमको मेरे में से कुछ मिलेगा भी नहीं ऐसे भी। एंड सेरा देख के वो टेडी डाल देती है बैग में। एंड फिर वो बोलता है कि फ्री टू कम बैक अगर तुम अभी चेंज करोगे अपना माइंड। एंड फिर बोलता है जॉन ठीक है। एंड वो बंदा हंस रहा है। एंड हम देखते हैं कि विल स्मर्क मारता है वो बंदा। हम देखते हैं वो लोग मॉल लीव करते हैं। फिर वो बोलते हैं कैसा दिन था यार, अचानक से अब डार्क हो गया। फिर वो बोलते हैं क्योंकि अपने मन में तो 2 बजे तक सो रहा था दोपहर के। एंड फिर वो बोलते हैं कितना क्राउडेड है यार यहाँ पे। फिर वो बोलते हैं चल दूसरे बस स्टॉप पे चलते हैं, एक क्रॉस है पार्क के नियर बाय है। एंड फिर बाद में वो लोग जाते हैं, देखते हैं बहुत नाइट अच्छी लग रही है। जॉन पीछे देखता है कि एंड आगे देखता है हंस रही है सेरा। एंड फिर वो बोलता है क्या इतना फ़नी क्या है। फिर वो बोलता है कि तूने इतना सब चीज़ किया बिल्ट, एंड जैसा कि एक वॉर जाने वाली है, बट तूने बस क्रीम किया लोगों के हेल्प के लिए, एंड ये बता रही है पिछली वाली सिचुएशन के लिए, एंड तू बहुत ही क्लाइमेटिक है। एंड फिर वो बोलता है कि उसको पैसा नहीं मिलना चाहिए था, एंड उसको पैसा नहीं देना चाहिए था, वो लेडी बस रॉन्ग थी। एंड पर उसको तभी भी उसका पैसा मिला क्योंकि वो पावरफुल थी। एंड वो बहुत ही गुस्से में है जॉन, ऐसा बताता है। फिर वो बोलती है कि इतना नेगेटिव मत हो, अपने बारे में सोच, इससे ज़्यादा तूने एक और अपना आम नहीं तोड़ा, ये अच्छी बात है। एंड जॉन ये देख के थोड़ा अच्छा फील करता है। फिर वो बोलते हैं सेरा क्या तूने कभी भी एक नाम सोचा हुआ है कि इस बंदे को क्या देगी तू अपना नाम, एक निकनेम। तो फिर वो बोलते हैं कि तेरे पास है क्या कुछ नाम देने के लिए। तो फिर वो बोलते हाउ अबाउट जॉन। तो फिर वो बोलती है अरे वाह ये तो बहुत क्रिएटिव है। एंड जॉन एकदम प्राउड है वो नाम में। एंड फिर वो बोलता है कि क्या तुझे पसंद नहीं है। फिर वापस से वो पीछे देखता है, फिर वो पूछती है सेरा क्या हो गया। एंड फिर जॉन उसको पकड़ के हाथ में बोलते हैं चल यहाँ से चलते हैं। एंड सेरा थोड़ा अजीब एक्ट कर रही है। एंड फिर वो उसको भगा के ले जाते, सेरा सोच रही है क्या हो रहा है, ये भाग क्यों रहा है। एंड फिर जॉन बोलता है इस साइड आ, एंड एक एलीवे में उसको लेके चले जाता है। एंड फिर बाद में
वो अचानक से एक शर्ट निकालता है एंड वो फेंकता है आसमान में, एंड वो देखते हैं कि एक उसकी शर्ट है जो हर एकदम से उड़ रही है, एंड फिर वो बोलता है इनविजिबल है। फिर सेरा अपने एक्टिवेट करती है एबिलिटी, एंड एक्टिवेट जैसे ही करती है हम देखते हैं टाइम बहुत स्लो चल रहा है, एंड एकदम से वो किक मार देती है वो बंदे को, एंड वो बंदा उधर से उड़ के चले जाता है। एंड फिर सेरा बोलती है चल यहाँ से निकलते हैं, एंड फिर वो बोलती है हाँ चल यहाँ से जल्दी निकलते हैं। इसका बेसिकली मीन्स है कि उनको फॉलो किया जा रहा है, एंड ये क्यों फॉलो किया जा रहा है ये हमें ज़रूर पता चलेगा। फिर हम देखते हैं वो लोग आ जाते हैं अपने डोम में, एंड फिर वो लोग भाग के आ जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि क्या हुआ ये, एंड वो भी पूछते हैं क्या था वो। फिर वो बोलते हैं मेरे को आइडिया नहीं है, बट कोई बंदा जो है वो हमको रॉबरी करना चाह रहा था। पर फिर वो बोलते हैं ठीक है चलो मेरे को इनफ एक्साइटमेंट हो गई है। फिर वो बोलते हैं कि जॉन तेरे को क्या पता है कि हम लोग फॉलो हो रहे थे, एंड फिर वो बोलते हैं नहीं मेरे को सही में नहीं पता है, गट फीलिंग थी शायद से, एंड क्या तू एकदम हंगरी है, मैं तेरे को रामेन बना दूंगा। एंड हम देख रहे हैं लोग जॉन के प्लेस पे आ गए ना कि डोम पे, एंड फिर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं लेट हो रहा है मैं जा रही हूँ वापस डोम के पास। फिर वो बोलते हैं क्या तू क्रेजी है, तेरे को सही में जाना है बाहर जब हमारे साथ अभी अभी ये हुआ, एंड तेरे को क्या लगता है अगर वहाँ और होंगे तो। फिर वो बोलते हैं कि मैं अपनी केयर कर सकती हूँ अकेले, तेरे को ज़रूरत नहीं है। फिर बोलता है मुझे पता है पर फिर भी तेरे को आज के लिए यहाँ पे रहना चाहिए, तू रिस्क क्यों करना चाह रही है जब तू अकेले अकेले कल जा सकती है जब सुबह हो जाएगी। एंड वो हम देखते हैं वो एग्री कर लेती है, एंड जॉन उधर खाना बना रहा है, एंड सेराफिना उधर बैठी हुई है, एंड सेराफिना एक बुक नोटिस करती है एंड अन ऑर्डिनरी। एंड फिर जैसे ही वो उठाने वाले रहती है सेरा पूछता है सेरा तेरे को कितना पैकेट चाहिए, तेरे को कितना चाहिए खाना। एंड फिर वो देखता है कि अरे मैं तो भूल गया उसको बाहर रखने के लिए, एंड फिर वो बोलती है कि तू हमेशा मेरे को सरप्राइज़ करता है, तूने कैसे मैनेज किया इसकी कॉपी पे अपना हाथ लाने के लिए, ये बुक तो बैन हो गई थी 2 साल पहले एंड फिर भी एकदम पब्लिकेशन के बाद फिर भी तेरे पास है। एंड फिर बाद में वो बोलते हैं मेरे पापा के पास थोड़ी सी एक्स्ट्रास थी तो उनने मेरे को दे दी जब मैं छोटा था। एंड फिर वो बोलती है क्या तेरे पापा, अच्छा। एंड फिर बाद में वो देखती है ऑथर का नाम है WH Do। फिर बाद में बोलती है अरे हाँ तेरे पापा ही तो है ना इनफेमस WH Do जिनने लाइक लिखी है एक बुक। फिर वो बोलते हैं हाँ इनफेमस क्या होता है। फिर वो बोलती है अरे मैं तो लक्की हूँ, फिर मेरे को हमेशा रीड करनी थी बट कॉपी इम्पॉसिबल है इसकी आजकल मिलने के लिए, बट मेरे को देखना है कि इतनी कॉन्ट्रोवर्सी कैसे लाई, एंड ये बहुत हार्ड है फाइंड करना बुक। एंड फिर बाद में वो बोलती है कि मेरे को पता नहीं था कि वो इतना केयर करती है बुक के बारे में, जॉन ऐसा सोचता है। पर फिर वो बोलती है कि मैंने बहुत सारे यूमर्स देखे हैं कि ये कर्स्ड है, एंड बहुत सारे लोग डिल्यूजन हो जाते हैं पढ़ने के बाद कि ये सब सुपर हीरो जो भी खुद को बोलते हैं कि हम लोग फेवर लगते हैं लाइक एक्सटैटिक और जो भी हैं वो सब इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं ऐसे, ये सब क्रेजी है राइट। फिर बाद में जॉन बोलता है ये सब डिल्यूजनल नहीं है, ये ऐसा रीज़न है क्योंकि वो सब स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं एंड इसी की वजह से रियलाइज़ हो गया क्योंकि ये बुक वो बताती है। एंड हमारी वर्ल्ड जो है वो फ्लॉड है एंड हमें अपनी पावर्स बैलेंस के लिए लानी चाहिए, पीस के लिए, या फिर सेल्फिशली यूज़ और वायलेंस के लिए नहीं लानी चाहिए। फिर बाद में वो बोलती है तू एकदम विजिलेंटिस जैसा साउंड कर रहा है। फिर बोलते हैं अरे यार छोड़ मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पैटर्न रहेगा जब तू खुद ही पढ़ेगी। तो फिर वो बोलती है ठीक है मैं फिर इसको बोरो कर रही हूँ, एंड फिर यहीं पर हंस देता है। एंड अब ये क्यों इतना कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है ये बुक के पीछे मैं तुमको नेक्स्ट एपिसोड बताऊंगा। पता है बहुत वीडियो लेट हो गई है बट नाउ आई एम ट्राइंग टू अपलोड डेली, एंड लेट्स देखते हैं कि डेली अपलोड होते हैं कि नहीं। मिलता हूं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर द सपोर्ट, तब तक के लिए बाय बाय।